सो गाइस फाइनली हमारे पास आ चुका है iPhone 16 का अल्ट्रा मरीन कलर का बॉक्स। आज ही मैंने इसको पिकअप किया है एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से जो कि साकेत के अंदर है, जहां पर एप्पल का ये छोटा सा बैग आता है और इसके अंदर आता है ये iPhone 16 का बॉक्स। कुछ इस तरह का बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। बॉक्स के ऊपर यहाँ पे iPhone 16 अल्ट्रा मरीन बना हुआ है जो कि काफी ज्यादा सही लग रहा है। अब फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर मैं आपको आगे की चीजें बताता हूँ कि क्या क्या नया आया है iPhone 16 में। सो गाइस काफी लंबी लाइन में लगने के बाद मुझे ये बैग मिला और सीधा मैं इसको घर लेके आया हूँ आपके साथ अनबॉक्सिंग शेयर करने के लिए। सो बॉक्स के ऊपर यहाँ पे iPhone 16 को प्रिंट किया हुआ है, जिसको टच करने में पूरी iPhone 16 की फील आ रही है। पतला सा बॉक्स है, साइड पे iPhone लिखा है, इधर Apple लोगो, बिल्कुल स्टैंडर्ड जैसे Apple के बॉक्सेस आते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड बाय Apple इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और यही बॉक्सेस बाहर भी जाने वाले हैं, सब जगह इंडिया का नाम छपने वाला है। अब बस इसे अनबॉक्स करने के लिए पुल टैब को रिमूव करना है, एक ऊपर एक नीचे। लेट्स ओपन द बॉक्स नाउ, 3 2 1। वाओ, लुक एट दिस अल्ट्रा मरीन iPhone 16। अभी डिटेल में इसी में बात करनी है, इससे पहले बॉक्स कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सो बॉक्स के अंदर आपको ये पिल शेप के अंदर टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाती है, वो भी ब्रेडेड वाली, मतलब अच्छी क्वालिटी की केबल है ये। साथ में सिम इजेक्टिंग पिन और नीचे की तरफ पेपर वर्क, और ये पेपर की क्वांटिटी भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, ये भी आपको पिल शेप के अंदर मिल रहा है। और फाइनली जो एप्पल लोगों के स्टिकर्स आते थे वो भी अब एप्पल ने देने बंद कर दिए हैं। एंड दैट्स इट, बस इतना ही होता है आईफोन के बॉक्सेस के अंदर। अब देखते हैं अपने चीफ गेस्ट iPhone 16 को। सो गाइस ये है iPhone 16 अल्ट्रा मरीन कलर। इस बार iPhone 16 लाइनअप का पोस्टर बॉय कलर, सबसे ज्यादा तगड़ा कलर मुझे यही लग रहा था, तो पहले दिन ही मैंने इसको प्री ऑर्डर कर दिया था। और एक कलरफुल मैट फिनिश काफी ज्यादा सही लगती है। लास्ट ईयर 15 सीरीज के अंदर थोड़े से लाइट कलर से, बट iPhone 16 के अंदर एकदम ही क्रेजी सैचुरेटेड कलर आए हैं। फ्रंट साइड से ये पेपर को करना है रिमूव, रियर में ग्लास आता है, साइड पे अल्मोनियम आता है, और दोनों का कलर यहाँ पर एकदम सेम है। यहाँ पे पावर बटन मिल जाता है, पावर बटन के नीचे पहली बार हमें बटन देखने को मिल रहा है जिसको एप्पल कहता है कैमरा कंट्रोल, और नीचे तो ऑफकोर्स ये बात है टाइप सी ही आएगा। इसके साथ साथ आपको एक नया बटन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एक्शन बटन, जो कि लास्ट ईयर हमने प्रो सीरीज के अंदर देखा था, अब हमें नॉन प्रो मॉडल के अंदर भी ये एक्शन बटन मिल चुका है। फाइनली इसको एक बार ऑन करके देख लेते हैं, एप्पल लोगो आ गया, कोनिचिवा जैपनीज हेलो, एंड यहाँ पर इन्होंने कर दिया एक्शन बटन को इंट्रोड्यूस iPhone 16 में। वेलकम टू आईफोन, और 6.1 इंच की डायनामिक आइलैंड के साथ आने वाली OLED डिस्प्ले हमें iPhone 16 के अंदर देखने को मिल रही है, जिसमें आज भी सिर्फ 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट आता है और कोई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमें नहीं देखने को मिलती। और फ्रंट में लेटेस्ट जनरेशन सेरेमिक शील्ड आ चुकी है, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास वगैरह लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्क्रैचेस वगैरह तो पड़ ही जाते हैं। बाकी बेजल्स iPhone 15 से कम हुए या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब कैमरा आपको जरूर 12x48 मेगापिक्सल का मिलता है, लेकिन यहाँ पे काफी सारी इंप्रूवमेंट्स है, क्योंकि आपको अंदर यहाँ पे काफी सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है, अलग अलग आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं, फोटोग्राफिक स्टाइल्स वगैरह मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर ऑटो फोकस भी आ चुका है, जिससे वाइड एंगल के थ्रू आप इसके अंदर मैक्रो शॉट्स वगैरह भी ले सकते हो। वैसे कैमरा टेस्ट के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तब ये सारी चीज आपको अच्छे से शो करूंगा। बाकी देखो कैमरा तो आईफोन का तगड़ा होता ही है, फोटोज इतनी ज्यादा सही आती है, किस तरह से कलर साइंस को समझा है, डिटेलिंग वगैरह अगर आप चेकआउट करोगे पीछे क्लाउड्स की भी, ट्रीज की, लीव्स की भी, तो जूम करने में भी काफी ज्यादा सही आपको यहाँ पे डिटेलिंग वगैरह मिल रही है, चाहे हम बात करते हैं 1x के अंदर चाहे 2x के अंदर। इसके साथ साथ 0.5x अल्ट्रा वाइड एंगल के अंदर भी काफी ज्यादा सही डिटेलिंग वगैरह नजर आ रही है। और ये अल्ट्रा वाइड एंगल के अंदर ना सैमसंग और गूगल पिक्सल और सब यहाँ पर कलर शिफ्ट कर जाते हैं, और डिटेलिंग भी उतनी नहीं रहती, तो उनसे काफी बेटर है आईफोन का अल्ट्रा वाइड एंगल। और हाँ, इसके साथ साथ अब आईफोन 16 स्पेशल वीडियोस और फोटोज को रिकॉर्ड करने के लिए कंपैटिबल है, इसी की वजह से वापस से कैमरा सेटअप जो है डायगोनल के बजाय वर्टिकल हुआ है। और वैसे तो ये कैमरा टेस्ट वीडियो नहीं है, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में कैमरा के ऊपर बात करके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक नया बटन आया था कैमरा कंट्रोल, जिसके ऊपर बात करना तो बनता है ना। सो बेसिकली इसको एक बार प्रेस करना है और हमारा कैमरा जो है वो ओपन हो जाता है, और इसको आप प्रेस करते हो तो फोटो क्लिक होती है, टैप एंड होल्ड करके रखते हो तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, और लाइट प्रेस करने से आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसके अंदर बेसिकली आप एक्सपोजर, जूम, स्टाइल्स वगैरह वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। और बस इस तरह से आपको स्वाइप अप स्वाइप डाउन करना है, जिससे आप जूम और जूम आउट कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा क्रेजी और कूल फीचर है। अब ये रियल लाइफ में कितना यूज होगा और कितना नहीं, वो तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, जब कैमरा टेस्ट वीडियो आएगी तब इस पे डिटेल में बात करेंगे ना। सो इस टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे iPhone 16 के फ्रंट कैमरा से। धूप यहाँ पे काफी ज्यादा तेज है, सन एक्सपोजर काफी ज्यादा तेज है, फिर भी कलर्स को काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड के अंदर भी जब सन होता है तो किस तरह से यहाँ पे क्लाउड्स के अंदर मुझे यहाँ पे डिटेलिंग वगैरह देखने को मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा सही चीज है। और iPhone 15 से मुझे स्लाइड बेटर यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है फ्रंट कैमरा से। बाकी माइक्रोफोन की क्वालिटी बताओ किस तरह की लग रही है, क्योंकि iPhone 16 सीरीज से आपको ऑडियो मिक्स करके एक फीचर मिल रहा है, जिससे व्लॉगर्स की जो है चांदी होने वाली है। आपको माइक भी अब यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके iPhone 16 से इतनी अच्छी आवाज रिकॉर्ड होगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे इतने अलग अलग इफेक्ट्स मिल जाते हैं, इसके अंदर आप अपनी वॉइस को एनहेंस कर सकते हो। फर्स्ट टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे iPhone 16 के फ्रंट कैमरा।
धूप यहाँ पे काफी ज्यादा तेज है, सन एक्सपोजर काफी ज्यादा तेज है, फिर भी कलर्स को काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड के अंदर भी जब सन होता है तो किस तरह से यहाँ पे क्लाउड्स के अंदर मुझे यहाँ पे डिटेलिंग वगैरह देखने को मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा सही चीज है। और आईफोन 15 से मुझे स्लाइड बेटर यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है। बाकी बैटरी एमएएस तो देखो एप्पल बताता नहीं है, अभी तक एग्जैक्ट नंबर्स भी नहीं आए, लेकिन इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट्स नंबर्स के अंदर नहीं होगा, लेकिन आपको बैटरी लाइफ में इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि A17 की बायोनिक चिप काफी ज्यादा एफिशिएंट है, जो कि आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप देगी, ऐसा एप्पल का कहना है। बाकी जब हम टेस्ट करेंगे तब बता पाएंगे कि क्या यहाँ पर सच्चाई है। बाकी 100% बैटरी हेल्थ है, ऑफ कोर्स ही बात है। जीरो साइकिल काउंट यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि पहली बार अभी मैं ही इसको चार्ज करूंगा। और मैन्युफैक्चरिंग डेट देखो जून में बन जाती है और सितंबर में हमारे आईफोन के अंदर में मिलती है। आउट ऑफ द बॉक्स iOS 18 के साथ आता है ये फोन। स्टिल यहाँ पर मुझे एक iOS 18 का अपडेट देखने को मिल रहा है, जो कि सारी बातें मैं आपको रिव्यू वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और हाँ, एक्शन बटन लास्ट ईयर 15 प्रो सीरीज वाले यूज कर चुके हैं, लेकिन इस ईयर 16 में भी आ गया और इसके अंदर आपको काफी सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती है। चाहो तो यहाँ पे आप टॉर्च को सेट करके रख सकते हो, सिंपली क्लिक करो और यहाँ पर टॉर्च जो है वो ऑन हो जाती है। और हाँ, जो लोग इसको आईफोन 12 कह रहे हैं वो काफी हद तक सही भी कह रहे हैं, बट यहाँ पे आपको काफी बड़े बड़े डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। मतलब कैमरा के साइज में डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम ही लग रहा है। वैसे बाकी सब तो अच्छा ही है आईफोन 16 के अंदर, बट दो तीन डिसअपॉइंटमेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपको कोई सपोर्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। इसके साथ साथ आउट ऑफ द बॉक्स एप्पल इंटेलिजेंस नहीं दिया गया, जो कि यार सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। आईफोन 16 सीरीज नई नई आएगी, एप्पल इंटेलिजेंस मिलेगा, सैमसंग गूगल पिक्सल सब ऑलमोस्ट यहाँ पर AI दे रहे हैं, लेकिन एप्पल अभी तक आपको एप्पल इंटेलिजेंस ऑफर नहीं कर रहा। मतलब आएगा एप्पल इंटेलिजेंस, लेकिन अभी दो तीन महीने बाद आएगा iOS 18.1 के अंदर। तो अगर ये आउट ऑफ द बॉक्स आता तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज होती, कुछ नया नया देखने को मिलता हमें iPhones के अंदर। बाकी अब तो वेट ही कर सकते हैं, और तो कुछ किया नहीं जा सकता। और हाँ, प्राइसिंग की बात करो तो लास्ट ईयर जैसी ही प्राइसिंग है, इस बार भी 80,000 का आपको 128GB मिल जाता है, और मैंने लिया था 256GB वाला वेरिएंट, जिसकी कीमत 90,000 रुपीज की है, लेकिन मुझे यहाँ पर कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद 5,000 का डिस्काउंट मिल गया। आपको भी 5,000 का डिस्काउंट मिल सकता है आईफोन 16 सीरीज को परचेज करने पर, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है MX का, एक्सिस कार्ड या फिर ICICI कार्ड। और अगर नहीं है तो मैंने इन कार्ड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, डायरेक्टली आप जाकर इन कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको भी ये डिस्काउंट मिल जाए। तो ये थी आईफोन 16 की अनबॉक्सिंग और मेरा इनिशियल रिव्यू आईफोन 16 के ऊपर। बाकी काफी जल्दी मैं इसके ऊपर डिटेल रिव्यू वीडियो लाने वाला हूं, उसके साथ साथ करेंगे इसका डिटेल कंपैरिजन आईफोन 15 के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करके जाना, और कोई भी अगर आपके डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।